नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम दो बात करेंगे जो रीट पात्रता भर्ती है उससे रिलेटेड। पहली बात तो अपनी होगी कि भाषा वन और भाषा टू, जो आपको दो भाषाएं लेनी है उनके चयन में क्या मतलब आपको सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी भाषा आपके लिए इजी रह सकती है वो बात करेंगे। इसके अलावा जो शिक्षण विधि है वो आपको कहाँ से पढ़नी है, जो शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड कहते हैं जिनको, शिक्षण विधि कहाँ से पढ़नी है सब, और जो है इसके कितने नंबर आते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ। इसके 40 नंबर की शिक्षण विधियां आती है और इसके लिए मैं बेस्ट बुक भी बताऊंगा आपको, क्या बेस्ट बुक भी बताऊंगा, और इसके साथ जो है ये आप कहाँ से पढ़ सकते हो ये सब मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊंगा। मैंने आज जो है 2021 में ही बीएड किया और मैंने अभी तक 3 टीचिंग एग्जाम 2021 में बीएड करके मैंने सेकंड ग्रेड मैथ जिसका फिलहाल मैं टीचर हूँ, रीट जो है थर्ड ग्रेड साइंस मैथ से फाइनल सिलेक्शन, और रीट जो है सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट से फाइनल सिलेक्शन, 3 सिलेक्शन लिए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये दोनों चीजें इस वीडियो में क्लियर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आज से जो है डेली आपको 2 क्लासेज भी मिलेगी एकदम बेस्ट, शून्य से लेकर 0 से हीरो वाली सीरीज वो भी जीवा स्टडी पर मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो भाषा 1 और 2 की बात करेंगे, उसके बाद में शिक्षण विधियों की बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे। तो देखो भाषा 1 और 2 भाषाओं में वैसे तो देखो आपके पास बहुत ऑप्शन है, जैसे आपके पास हिंदी तो है ही एक, ठीक है, दूसरी बात जो है आपके पास इंग्लिश है, ठीक है, फिर संस्कृत है, ये मेन 3 भाषाएं तो यही है। उसके बाद में भी और विकल्प भी होते हैं आपके पास, आप उर्दू ले सकते हो, ठीक है, आप सिंधी ले सकते हो, आप गुजराती ले सकते हो, और इसके अलावा आप पंजाबी भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? पंजाबी भी ले सकते हो, इतनी भाषाएं आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन मेन जो 3 भाषाएं निकल कर आती है वह हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इसमें से जो है आप भाषा 1 कौन सी लें, भाषा 2 कौन सी लें, ये जो है सबसे मेन सवाल है। क्योंकि देखो भाषा 1 और 2 लेने में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो आप क्या करते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट से पिछड़ जाते हो, ठीक है, क्योंकि भाषा सही और सटीक चयन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिनके उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी में है उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत वालों के। तो देखो सबसे पहली बात तो आप जो है भाषा 1 अगर जो है ना हिंदी लेते हो तो भाषा 2 वापस हिंदी नहीं ले सकते, यानी कि एक भाषा एक ही बार ले सकते हो। दूसरी बात यह कि जो आप अगर हिंदी को भाषा 1 के तौर पर लोगे तो अलग सिलेबस आएगा, भाषा 2 के तौर पर होगे तो अलग सिलेबस आएगा। तो मेरा जो कॉमनली मानना है, देखो भाषा 1 तो आपको हमेशा ही हिंदी लेनी है, चाहे आप किसी भी जो है सब्जेक्ट से हो कैसे भी हो, भाषा 1 तो आपको ज्यादातर को हिंदी ही लेनी है, ठीक है। हिंदी के फायदे ये है कि जो भाषा 1 हिंदी आती है ना उसके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा इजी आता है। आप पहले वाले पेपर उठा के देख सकते हो, क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी आता है। जो 2 तो जाए आपके फटित गद्यांश आते हैं, जो पैसेज आते हैं वो आते हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, कारक लिंग कौन सा जो है स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है, कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाषा 1 तो आपको जो है कुछ जो विशेष परिस्थितियों के अलावा आपको हमेशा हिंदी ही लेनी है। 30 नंबर की आएगी ये, जिसमें से 10 टीचिंग मेथड के नंबर आएंगे और 20 जो है हिंदी के आएंगे, बहुत ईजी रहेगी आपके भाषा 1, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। फिर आती है आपके भाषा 2, इसमें 2 मत है, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी वालों का तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनमें से एक ले लेते हैं। तो अब यहां पर 2 मत क्या है कि या तो मैं संस्कृत लूं और या मैं कौन सी लूं, इंग्लिश लूं, क्या लूं, इंग्लिश। ये ज्यादा ये दो में लड़ाई चलती है। भाषा 1 तो हिंदी ही लेना है हमेशा आपको, भाषा 2 में संस्कृत और इंग्लिश में जो है क्या मतलब आपके परेशानी आ सकती है और क्या किस में फायदा हो सकता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। भाषा 2 है ना उसमें ग्रामर तो आती है लेकिन कुछ भाग साहित्य का भी आता है, ठीक है, कुछ भाग किसका आता है, साहित्य का। और भाषा 1 में हमेशा जो है आपके व्याकरण जो होती है ना, ग्रामर, एक मिनट, भाषा 1 में जो है आपके व्याकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, व्याकरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है। भाषा 2 जो भी लोगे उसमें साहित्य का कुछ भाग आएगा, जो ग्रामर है व्याकरण है वो भी आएगी लेकिन साहित्य का भी कुछ भाग आएगा। तो अब कोई सोचेंगे कि यार इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर तो हार्ड पड़ेगी, लेकिन ये जो है आपके 50 से 60 पेज के नोट्स है उनमें ही समेट के रह जाएगी, इतनी सी आएगी बस, ठीक है। अगर आप इंग्लिश, अगर आपके संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आती तो आपको इंग्लिश लेनी है। ये नहीं सोचना कि यार संस्कृत इंग्लिश दोनों ही नहीं आती, दोनों हार्ड लगती है तो मैं संस्कृत ले लेता हूं, नहीं। अगर आप ऐसी स्थिति में होगी, संस्कृत भी आपको हार्ड लगती है, इंग्लिश भी हार्ड लगती है, तो इंग्लिश की तरफ जाइए, ठीक है। संस्कृत, अब कई स्टूडेंट का कहना है कि हिंदी पढ़ ली तो संस्कृत भी पढ़ लेंगे, तो देखो हिंदी पढ़ ली तो संस्कृत पढ़ सकते हो, लेकिन संस्कृत में नंबर खींचना इंग्लिश के मुकाबले हार्ड होगा दूसरी लैंग्वेज में।
अगर आपके संस्कृत बहुत अच्छी, आप खुद संस्कृत से हो, खुद हिंदी से हो, अगर आप मतलब आगे जाके मेंस परीक्षा हिंदी संस्कृत से देने वाले हो तो आपकी इसमें पकड़ हो सकती है संस्कृत में, तब आपको संस्कृत लेनी है। खास करके साइंस मैथ वाले इंग्लिश की तरफ ज्यादा रुझान रखें, क्योंकि वो संस्कृत नहीं कर पाएंगे। संस्कृत के अगर जितने नंबर आप संस्कृत में लाओगे ना, पिछली बार जो है संस्कृत में नंबर नहीं आए लोगों के, लेकिन इंग्लिश में आ गए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस लिमिटेड है, 50-60 पेज में ही भाषा दो का सिलेबस हो जाता है इंग्लिश का। और वो नोट्स में टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड भी करवा दूंगा आपका, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। जैसे जो है मैं उनकी पीडीएफ बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास नहीं रहते वो गांव में, तो जैसे मैं उनको पीडीएफ बना लूंगा मैं आपको उसमें सेंड कर दूंगा। मात्र 50-60 पेज के नोट्स हैं भाषा दो इंग्लिश के, ठीक है। तो अगर आप साइंस मैथ के हो तो इंग्लिश की तरफ ही रुझान रखें। और एक बात ध्यान रखना, जिस जो इंग्लिश सब्जेक्ट का स्टूडेंट है ना, मतलब आगे जाकर जो इंग्लिश से ही मतलब थर्ड ग्रेड का मेन एग्जाम देगा, उसको या तो फर्स्ट या सेकंड एक जगह तो इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी, ये अनिवार्य है, ध्यान रखना। जो भी इंग्लिश का स्टूडेंट है, मतलब आगे जाके इंग्लिश से तैयारी करने वाला है थर्ड ग्रेड की, उसको फर्स्ट या सेकंड में से एक तो इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही इंग्लिश लेनी पड़ेगी, आप सेकंड भी इंग्लिश से ले सकते हो अगर आप इंग्लिश के हो तो, लेकिन एक तो लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। संस्कृत की तरफ वही जाए जो एकदम श्योर है कि मुझे संस्कृत आती है, खास करके जो मेन संस्कृत वाले उनको तो लेनी ही है, उसके अलावा हिंदी वाले भी ले सकते हैं। SST वाले इंग्लिश और हिंदी संस्कृत को पहले सिलेबस देखना, पीछे के पेपर देखना, उसके बाद ही डिसाइड करना, ठीक है। सेकंड जो लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज एक संस्कृत और एक आपकी इंग्लिश, तो जब भी आप डिसाइड करो ना, तो देखो मैं एक बात तो मैं जो मैंने एक्सपीरियंस के उसका आधार बता दूं, इसके 50-60 पेज के ही जो नोट्स हैं उनमें से ही सब कुछ आ जाता है। संस्कृत का सिलेबस इससे थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बाकी आपको डिसाइड कैसे करना है, जो अभी तक पेपर हो चुके, खास करके 2022 वाले पेपर, जुलाई 2022 में जो पात्रता हुई थी, इसके पेपर लो आप, ठीक है, और देखो कि जो है इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज इजी आई थी या संस्कृत इजी आई थी, उसके हिसाब से डिसाइड करें। और साइंस मैथ वाले ज्यादा इंग्लिश की तरफ फोकस करें, बहुत ज्यादा इजी है। बाकी जो है संस्कृत ले सकते हैं जिसको संस्कृत समझ में आए, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन है, 10 नंबर की शिक्षण विधि आएगी और बाकी जो है आपके 20 नंबर की जो मेन भाषा है, चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश, वो आएगी। तो ध्यान रखना, डिसाइड करने के दो तरीके हैं। एक मेरा कहना है कि साइंस मैथ वाले इंग्लिश की तरफ जाएं, और जिनके संस्कृत आगे जाके संस्कृत से थर्ड ग्रेड की तैयारी करेगा उसको तो संस्कृत लेना अनिवार्य है, ठीक है। जो इंग्लिश से करेगा वो इंग्लिश एक जो लैंग्वेज लेना अनिवार्य है। तो आप ध्यान रखना, इंग्लिश और संस्कृत का 2022 पात्रता का, पहले वाले तो मत देखो चाहे, 2022 पात्रता के जो चार पेपर हुए थे ना, लेवल वन के सहित चार पेपर हुए थे, उन चारों पेपर को देखें, क्या संस्कृत अच्छी है या इंग्लिश अच्छी है वो देखें। और इंग्लिश को थोड़ा सा ऐसे बिना पढ़े देखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना कि संस्कृत में इतना हार्ड पढ़ पाओगे जितना इंग्लिश में इतना हार्ड नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिसाइड कर लेना। अब बात करते हैं कि आपकी शिक्षण विधियां कहां से पढ़े। शिक्षण विधियों के पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के। कितने क्वेश्चन? 40। कहां से आएंगे? 10 तो आ जाएंगे आपके भाषा वन में, 10 कहां जाएंगे? भाषा वन में, और 10 आएंगे भाषा टू में, 20 हो गए। और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो SST है, साइंस मैथ है, या जो है लेवल वन में पर्यावरण और गणित है, 20 वहां पर, टोटल 40 नंबर आएंगे। और ये 40 नंबर और साइकोलॉजी के 30 नंबर, 70 नंबर जो है आपके एक प्रकार से साइकोलॉजी के ही है। तो इन चीजों को कहां से पढ़े वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक तो अपन आज से क्लास स्टार्ट करेंगे साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों की, तो वो तो आप देख सकते हो पहले। दूसरी बात, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पात्रता में बिल्कुल कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टडी से आप 100 नंबर पार कर सकते हो, लेकिन अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखो, इसके लिए बुक आती है, किसके लिए? टीचिंग मेथड के लिए। टीचिंग जो मेथड है उनके लिए बुक आती है, मैं अभी दिखा भी देता हूं उनका कवर पेज। बुक आती है शिक्षा शास्त्र नाम से। किस नाम से? शिक्षा शास्त्र नाम से। किसकी आती है? ये कलाम की। अभी कवर दिखा देता हूं मैं उसके। कलाम की बुक आती है शिक्षा शास्त्र के नाम से, और मैं आपको बता चुका 10 टीचिंग मेथड भाषा आएंगे वन में, 10 आएंगे भाषा टू में, और 20 आएंगे आपके सब्जेक्ट में। तो 40 नंबर कोई कम नंबर नहीं होते। तो देखो, मैं बुक दिखा देता हूं आपको। एक देखो, ये बुक आती है आपकी लेवल टू, किसके लिए? रीट लेवल टू के लिए। एक मिनट, ये आती है, देखो ये है रीट लेवल टू, और किसके? कलाम एकेडमी की, ठीक। और अच्छी बुक है ये, शिक्षा शास्त्र के नाम से आती है, और ये आपकी SST के लिए है, ठीक है। SST में आप जो है सब्जेक्ट जिनके भी इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, वो सारे जो है SST, और खुद SST वाले तो हैं, लेकिन देखो
जो हिंदी इंग्लिश वाले हैं उनके लिए साइंस मैथ के भी दरवाजे खुले रहते हैं, वो साइंस मैथ भी सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर SST लेते हैं। ठीक है, उनके देखो इस बुक में क्या आएगा, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि आएगी और इसके साथ जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण में इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके हिंदी और संस्कृत की आएगी। किसकी? हिंदी और संस्कृत की, इंग्लिश की नहीं आएगी। इंग्लिश की टीचिंग मेथड आपको जो है मैं नोट्स के रूप में जो है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दें और जैसे जो है मेरे पास वो PDF बन जाएगी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें सामाजिक अध्ययन के 20 क्वेश्चन कवर होंगे और हिंदी के 10 और संस्कृत के 10। ठीक है, इंग्लिश के इसमें नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपकी आती है शिक्षा शास्त्र नाम से और SS यादव द्वारा लिखी गई है, जो खुद जो है फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है। तो इस हिसाब से जो है ये आती है आपकी किसके लिए, जो है आपकी सामाजिक अध्ययन के लिए। ऐसे ही जो कवर पेज देख लो आप, किस थोड़ा सा जो है ब्राउन कलर का इसका जो है कवर पेज है, अगला दिखा। ये आती है आपकी शिक्षा शास्त्र रीट Level 1, जो Level 1 है उसके लिए आती है। इसमें जो है ये देखो पर्यावरण अध्ययन गणित और भाषा शिक्षण, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र Level 1 के जो स्टूडेंट है BSTC वाले उनके लिए 20 क्वेश्चन तो आपके पर्यावरण और गणित के शिक्षण विधियों के और भाषा शिक्षण हिंदी और संस्कृत के जो है 20 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो एक तीसरी बुक है गणित की, जो मैरून कलर टाइप से आती है Level 2 जो है गणित विज्ञान वालों के लिए, उसमें गणित विज्ञान के 10-10 क्वेश्चन वाले कवर हो जाएंगे और भाषा शिक्षण के जो है आपके जो मतलब हिंदी और संस्कृत कवर हो जाएंगे। इंग्लिश के अलग से मैं नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये किताबें आप पढ़ सकते हो, बेस्ट किताब है। अब ये मत बोलना इसके पेज दिखाओ, क्योंकि ये पेज जो है मेरे पास पढ़ी जरूर है ये शिक्षा शास्त्र वाली, और मैंने सेकेंड ग्रेड की तैयारी भी इसी से की थी टीचिंग मेथड की। तो ये एकदम बेस्ट बुक है। अब आप बोलोगे पेज दिखाओ ऐसे तो क्या है, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था सेकंड ग्रेड का, बोला पेज दिखाओ, तो इसके पेज देखने तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाइए, खरीदने से पहले चेक कर सकते हो आप, बेस्ट बुक है ये। तो टीचिंग मेथड यहां से कवर करो, साथ में यूट्यूब पर आप MCQ की जो है क्लासेस देख लो, इसमें आपको जो है थ्योरी टाइप से मिलेंगे और थ्योरी टाइप से ही पढ़ना है आपको, जल्दी से पढ़ पाओगे एकदम सरल तरीके से और अच्छी भाषा में लिखे हुए। तो कुल मिला के बता चुका मैं आपको भाषा 1 भाषा 2 कैसे चयन करनी है, शिक्षण विधियां कहां से पढ़नी है, और क्लास के लिए आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, आज से ही क्लास आ रही है, क्लास का लेवल देखना है आपको। तो जीवा स्टडी मैथमेटिक्स नाम से मेरा चैनल है जिस पर मैं सेकंड ग्रेड की क्लासेस चलाता हूं GK की, वो जाकर देख सकते हो, MCQ टाइप है लेकिन किस हिसाब से पढ़ाता हूं उसको जाकर एक बार जरूर देख सकते हो अगर आपको क्लासेस देखनी है। और जो रीट की क्लासेस है वो मैं इसी चैनल पर शुरू करूंगा, आज से डेली 2 क्लासेस आएगी, हो सकता है कभी 3 भी आ जाए, वो एकदम अच्छे तरीके से जो है बड़ी बड़ी क्लासें आएंगी जो है मतलब एकदम कंफर्ट वाली 30-25-30 मिनट की, जिसमें ज्यादा बोर हो आप और ना ज्यादा कम टाइम की हो, बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।